नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। इस वक्त सिरसा की राजनीति में बड़ा तहलका, बड़ा उलटफेर आप देख सकते हैं। सनी सिंह आजाद उम्मीदवार, सिरसा विधानसभा के आजाद उम्मीदवार ने गोपाल कांडा को खुलकर खुला समर्थन दे दिया है। सनी सिंह आजाद उम्मीदवार आप देख सकते हैं, सिरसा की राजनीति में बड़ा तहलका, बड़ा यहाँ पर तहलका। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर सिरसा की राजनीति में बड़ा तहलका यहाँ पर हुआ है और सन्नी सिंह ने गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया। सिरसा विधानसभा के आजाद उम्मीदवार सन्नी सिंह जी सिरसा ने गोपाल कांडा को खुला समर्थन दे दिया है और उसके बाद में गोपाल कांडा की मजबूती है वो बढ़ गई है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को शेयर करें। ढोल नगाड़ों के साथ गोपाल कांडा का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है, वीडियो को शेयर करें। और सन्नी सिंह आप देख सकते हैं, गोपाल कांडा को फूल मालाओं के साथ यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। फूल मालाओं के साथ यहाँ पर जबरदस्त स्वागत किया जा रहा है, फूल मालाओं के साथ यहाँ पर जबरदस्त स्वागत। और सन्नी सिंह ने खुला समर्थन देने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं गोपाल कांडा को किस तरीके से स्वागत करके यहाँ पर अपने ऑफिस में लेकर आ रहे हैं। वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़कर वीडियो को शेयर करें। यहाँ पर सन्नी सिंह ने खुला समर्थन दे दिया, उसके बाद में गोपाल कांडा की मजबूती है वो बढ़ गई है और मजबूत हो गए हैं, क्योंकि सन्नी सिंह एक आजाद उम्मीदवार थे और इन्होंने खुला समर्थन गोपाल कांडा को दे दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं सन्नी सिंह अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ यहाँ पर गोपाल कांडा को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाएं। यहाँ पर सैकड़ों समर्थकों के साथ सन्नी सिंह जी सिरसा हैं, उन्होंने गोपाल कांडा को समर्थन दे दिया है और उसके बाद में गोपाल कांडा की जो मजबूती है वो बढ़ गई है। सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थोड़ा सा साइड में हो जाओ जी, थोड़ा सा साइड में हो जाओ। हाँ जी, सन्नी सिंह जी, आप आजाद उम्मीदवार थे, आज आपने गोपाल कांडा जी को समर्थन दिया है, क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो गोपाल भाई साहब से मेरा पारिवारिक रिलेशन है, परंतु जब मेरे पिताजी एक्सपायर हुए 3 महीने पहले, तो गोपाल भाई साहब किसी कारणवश नहीं आ सके, तो मेरे मन में थोड़ा ऐसा आया भी शायद पता नहीं क्या बात है मेरे पास आई, मेरे दुख में नहीं आए। जब मुझे पता लगा अभी गोविंद भाई साहब की धर्मपत्नी के 8 में उनके स्टंट डला था, तो कोई मजबूरी थी तो आ नहीं सके, तो मेरे को लगा अभी शायद मैं गलत था, मैंने इनकी मजबूरी नहीं समझी, मैंने सोचा अभी शायद जान करके नहीं आए। तो आप सभी को बता दूं, सिरसा वासियों को बता दूं, जो लोग कह रहे थे गोपाल कांडा जी 15,000 वोटों से जीतेंगे, आज बता दूं वो 20,000 वोटों से प्लस जीतेंगे। वो उनकी बढ़ चढ़ के जीत होगी। और बता दूं, जो लोग कहते हैं समाज सेवी नहीं है, एक मैं समाज सेवी 15 साल से सेवा कर रहा हूँ, एक ये सबसे बड़े समाज सेवी, सच्चे समाज सेवी, आज उनके साथ में खड़ा हूँ सेवा। एक बार बताओ, लोग आप पर आरोप लगाते हैं, विरोधी हैं वो आप पर आरोप लगाते हैं भी, सन्नी सिंह है वो चुनाव आते समय पैसों का लेन देन करके बैठ जाता है, उसका आप खुलासा करो, सारी जनता देख रही है, वीडियो देख रही है, खुलासा करो, आपने कोई सेटिंग की है या क्या की? तो लोगों की छोटी सोच है, जो जिनकी मानसिकता छोटी है, तो मैं बता दूं पहले भी मैंने निस्वार्थ अपनी सेवा से, अपनी जी मेहनत की कमाई से इनका सहयोग दिया है, आगे भी देता रहूंगा। जल हाथ में, जल हाथ में ले, बिल्कुल है जी, बिल्कुल, मैंने आते 1 रुपया नहीं लिया और ये इसके गवाह, ये साक्षात गवाह है। हाँ जी, मैं बताऊं, जो लोग ये बोलते हैं कि सन्नी सिंह जी के बारे में कि ये सेवादार नहीं है या सेवा नहीं करते या समर्थन में बैठ के पैसे लेके, वो लोग तो पूरे शहर को बार बार बिकाऊ बोलते हैं। सिरसा शहर क्या बिकाऊ है? क्या किसी सारे शहर के लोग खड़े हो आप? किसने मुझसे कुछ लिया हुआ है? नहीं, ये इसका प्यार है, भाई है, सेवा वो होती है। आज मैं सेवा कर रहा हूँ तो भगवान के जैसे मेरे पास सब कुछ है, इसके पास कुछ ना होते हुए ये सेवा कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ ये सेवा असली है इसकी। ये बंदा जो वाकई सेवादार है, चाहे अपना कुछ भी छोटा छोटा जोड़ के काट के और लोगों को खिलाने का काम करता है, सेवा करता है। मैं जब भी इसकी वीडियो देखता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, मैं यार कितना ये बंदा सेवा कर रहा है, जबकि अपना इसके पास कोई अपार दौलत नहीं है कि जिससे कि ये उसमें से निकाल के ये अपनी मेहनत करके कमा के फिर सेवा कर रहा है, तो ऐसा सच्चा साथी है। सन्नी सिंह जी आपके साथ आए हैं, कितनी मजबूती मिलेगी आपको? भाई साहब, एक आदमी भी कहते हैं ना 1 लाख जैसा होता है, ऐसा व्यक्ति जो सेवादार हो, हमें ऐसे साथी चाहिए, और एक बहुत बड़ी जीत होगी। एक बात और बता दूं, जो मैंने 1.5 साल लंगर चलाया, फ्री खुशियों की रसोई चलाई है, पूरी दुनिया में खुशी रसोई में रजिस्टर्ड है,
गोपाल भाई सोच रहे, मैंने एक बार भी सहयोग नहीं मांगा। मैंने इसको फोन किया एक दिन, हाँ। मैंने कहा भाई ये जो तो खुशियों की रसोई चला रहा है, हाँ। क्योंकि मुझे मालूम है ना इसके पास, हाँ। ये तकलीफ में होगा, हाँ। या, हाँ। कैसे। मैंने कहा कोई भी मेरी मदद की जरूरत हो, कहता नहीं भाई साहब तुम्हारा आशीर्वाद है, मैं कर रहा, चिंता ना करो। जो लोग गलत कमेंट करते हैं आपको, उनको क्या कहना चाहोगे आप? तो मैं कहना चाहूंगा जो गलत कमेंट करते हैं, पहले तो अपने अपनी मानसिकता पे ध्यान दें, वो लोग खुद कैसे हैं, खुद क्या सोचते हैं लोगों के बारे में। वो बात कहते हैं ना भी, खुद की बारी तो वकील बन जाए, अगली बार जज बन जाए, तो खुद के बारे में देखें ना भी, लोगों को पहले गलत साबित करने पहले खुद को देखें भी, वो किस हद तक खुद कहाँ सही है। लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत गलत है, और आपसे वादा करता हूँ सिरसा शहर में जहाँ विकास नहीं हुआ, पहले मैं भ्रष्टाचार के बारे में बात करता था, भ्रष्टाचार मैं खत्म करूंगा, भाई साहब मेरी ड्यूटी लगाएंगे। सिरसा में जहाँ विकास नहीं होगा उस विकास कार्य को मैं पूरा करूंगा, मेरा नाम। अभी भी मैंने कहा है कि इस मोहल्ले में कहीं कोई काम गलती से रह गया हो, कुछ भी हो, तो ये मुझे बताएगा और इसकी जिम्मेवारी लगाऊंगा। शहर में कहीं भी कोई भी काम जो पेंडिंग है और है, लिस्ट बना के देगा, मेरे से टच में रहता है ये फोन पे, और ये काम करवाएगा सिरसा का। सन्नी सिंह ने अपने टीम के साथ आपको सारा समर्थन दिया जी, कैसा समझ? कमाल है मतलब समर्थन, तो आज ये हमारा भाई है छोटा, और इसने जो साथ दिया है, कहते हैं ना कि ऐसे टाइम पे साथ देना, कहते हैं पूरे वक्त पे कोई आदमी किसी के काम आए तो वो काम होता है। शहर में कोरोना आया और हमने हॉस्पिटल बना दिया 15 दिन में, तो वो है सेवा एक्चुअल में। ये भी अपने शहर को जरूरत है, तन मन धन से लगा दो जो कुछ अपने पास है, तो ऐसे व्यक्ति चाहिए हमें सेवा करने वाले, और सेवा करनी है और शहर का विकास करना है। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, कितना आप देख रहे हो अपने पास सिवाय प्यार के और है ही क्या, लोग हमें दे आशीर्वाद और प्यार रहे हैं कि शहर का ये विकास का सिलसिला बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे, इसलिए लोग विश्वास कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं, और उनका आशीर्वाद बना रहे और इस विकास के सिलसिले को, कामों के सिलसिले को ऐसे जारी रखेंगे, और आप सब भाइयों का सहयोग रहे। सिरसा वासियों से अपील करूंगा सभी साथ दें, हमारी हमारी ताकत बने, मैं भी आज इनकी ताकत बनूँ, मैं हमेशा से ताकत बनाऊँ, ये भी मेरी ताकत बने, और आप सभी साथ दें हमारा। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर सन्नी सिंह जी सिरसा ने यहाँ पर गोपाल कांडा का यहाँ पर खुलकर समर्थन किया है, और उसके बाद में गोपाल कांडा की जो मजबूती है वो बढ़ गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या जी, हम तो इनके साथ है, जहाँ ये कहेंगे वहीं वोट मारेंगे। अच्छा पक्की बात है? पक्की बात है। ये दे सकते हैं यहाँ पर, आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर खुला समर्थन देने के बाद में यहाँ पर लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जी कांडा साहब? लोगों से अपील यही है कि सिरसा में जो विकास का पहिया घूम रहा है, जो विकास हो रहा है, जो आपसी भाईचारा बना हुआ है, कि यहाँ कोई बांग्लादेश जैसी हालत ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, अशांति ना फैले, तो हमें इस सिरसा के विकास को ऐसे ही आगे बढ़ाना है, इस धर्म नगरी को ऐसे धर्म के साथ कार्य करते हुए समाज सेवा के हमें आगे बढ़ना है, और सब अपना प्रेम प्यार और आशीर्वाद दें, और शिप का निशान, समुद्री जहाज का निशान, उस पर मोहर लगा के 5 तारीख को हरी बहुमत से विधेय बनाएं, ताकि हम इस सेवा को सिलसिले को जारी रखें। एक बात और कहना चाहूँगा, जो लोग कहते हैं ना इलेक्शन का नॉमिनेशन भरो और समर्थन दे दो और पैसे कमा लो, तो पूरे सिरसा में सिर्फ 15 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन भरा, उसमें से एक मैं हूँ, और मैं इन्हीं के साथ हूँ, जिंदगी भर इनके साथ रहूँगा, और जो लगता है कमाई का जरिया है तो वो भी भर लेते फार्म। लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाना गलत बात है, और जो कोई बिकाऊ नहीं होता, एक प्यार होता है, मोह प्यार होता है, और उसी के बलबोते आप किसी को बेच भी सकते हो, किसी को खरीद भी सकते हो, और मैंने सारा जीवन इनके नाम पे लगाया हुआ है, इनको भी पता है। और इनका सन्नी सिंह ने खुला यहाँ पर आप दे सकते हैं समर्थन दिया, और विरोधियों को यहाँ पर पूरा जवाब दिया है, विरोधियों को पूरा जवाब दिया और कहा है कि हम बिकाऊ नहीं है, और इसके साथ साथ हम प्यार के साथ चलते हैं, और प्यार से ये दे सकते हैं कितना सन्नी सिंह का आप दे सकते हैं, और गोपाल कांडा का यहाँ पर खुलकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करो, और जो लोग यहाँ पर गलत कमेंट करते थे, गलत आरोप लगाते थे, उनके ऊपर सन्नी सिंह ने करारा प्रहार किया है, और आप दे सकते हैं थोड़ा साइड में होना जी, थोड़ा साइड में जो करारा प्रहार किया है, और यहाँ पर आप दे सकते हैं यहाँ पर खुला समर्थन देने के बाद में गोपाल कांडा की जो शक्ति है वो बढ़ गई है। कैमरा सहयोगी से कहूंगा इधर घुमाकर दिखाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, और सन्नी सिंह यहाँ पर खुला समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।